हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मॉन्स्टर कंट्रोल रूम के अंदर आ गया था, लेकिन ये मॉन्स्टर देख नहीं सकता था। मॉन्स्टर इधर उधर घूमकर इन लोगों को ढूंढ रहा था, पर ये लोग मॉन्स्टर से छिपे हुए थे। अब आगे जेड सभी को शांत रहने का इशारा करता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर से चीखने लगता है। उसकी आवाज़ से मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि ये लोग अभी कहाँ पर हैं, और वो रोज़ पर हमला कर देता है। लेकिन तभी एलेक्स बीच में आ जाता है और ये हमला एलेक्स को लग जाता है। इस हमले से रोज़ तो बच गई थी, पर हमले में एलेक्स बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। जख्म गहरा होने की वजह से एलेक्स जगह पर ही बेहोश हो जाता है। रोज़ उसे उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर दोबारा से उन पर हमला कर देता है और जेड बीच में आकर मॉन्स्टर को शूट करने लगता है, जिससे मॉन्स्टर ज़मीन पर गिर पड़ता है। जेड को लगा था मॉन्स्टर मर गया है, पर ऐसा नहीं था। वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और जेड को मारने की कोशिश करने लगता है। ये देख जल्दी से रोज़ उसे शूट करने लगती है, लेकिन इससे मॉन्स्टर पर कोई ख़ास असर नहीं हो रहा था। तभी उसे केमिकल बॉम्ब दिखता है और रोज़ केमिकल बॉम्ब से मॉन्स्टर पर हमला कर देती है, जिससे मॉन्स्टर जलने लगता है और जेड को फेंक देता है। अभी के लिए जेड मॉन्स्टर से तो छूट गया था, लेकिन वो भी बुरी तरह से घायल होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया था। इधर रिसर्चर को काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली VIP डोर मिल जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर उसे खोल देता है और गार्डियंस को भी अपने साथ चलने का इशारा करने ही जाता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे कहता है, उन लोगों को यहीं पर मरने दो, हमें अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर रिसर्चर सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहां से उस बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और रेस्क्यू टीम के आने का इंतज़ार करने लगता है। इधर हमें रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है जो अभी के लिए वहीं आ रहे थे। कुछ ही पलों में उन्हें साइंटिस्ट और वो सिक्योरिटी गार्ड दिख जाता है। वो लोग इनकी मदद के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से सिक्योरिटी गार्ड पर वायरस हावी होने लगता है और वो मॉन्स्टर में बदलने लगता है। ये देख रिसर्चर चौंक जाता है और चौंक कर कहता है, क्या एस ने काम नहीं किया? क्या एस फेल हो गया? लेकिन थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो कहता है, नहीं, एस फेल नहीं हुआ है, ये तो बस एस को इंजेक्ट करने का साइड इफ़ेक्ट है जो कुछ ही पलों में ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, कुछ ही पलों में ये साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन रेस्क्यू टीम ने उसे मॉन्स्टर में बदलते हुए देख लिया था, इसलिए उन लोगों को लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड एक मॉन्स्टर है और वो लोग बिना सोचे समझे इसे शूट कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अभी के लिए मर चुका था। इधर ये देखकर रिसर्चर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके मरने के साथ साथ एस भी ख़त्म हो गया था, अब उसे दोबारा से बनाया नहीं जा सकता था। इधर कंट्रोल रूम में जेड को होश आ गया था और वो मॉन्स्टर से फाइट करने लगा था। अभी के लिए वो मॉन्स्टर एक साथ तीनों गार्डियंस पर हमला कर रहा था, जिस वजह से वो लोग हर सेकेंड बहुत ज़्यादा जख्मी होते जा रहे थे। खुद को और अपने साथियों को इतना ज़्यादा घायल होता देख एलेक्स को लगता है कि वो लोग अब मर चुके हैं और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक से उसकी आंखें एक जगह पर खुलती हैं, जहां पर उसे वही लड़की दिखाई पड़ती है जो उसे पिछली बार बेहोश होने पर दिखी थी। वो एलेक्स को हक कर कर कहती है, तुम नहीं मर सकते हो, मेरे लिए तुम्हें एक लंबी उम्र जीना होगा। उसकी आवाज़ सुनते ही एलेक्स चीख कर कहता है, हाँ, मैं नहीं मर सकता हूँ, और उसे होश आ जाता है। अभी के लिए वो एक बहुत ही अजीब जगह पर था, जहाँ पर वो चारों तरफ से एक अजीब सी रोशनी से घिरा हुआ था। और चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने अभी के लिए कोई कपड़े नहीं पहने थे। एलेक्स चलकर इस रोशनी से बाहर आता है। वो अभी के लिए कमरे में आ गया था। तभी रोज़ पीछे से आकर उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देती है। रोज़ को वहाँ देखकर एलेक्स पूछता है कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। इस पर रोज़ हाँ में सिर लाते हुए कहती है, हाँ, हम सक्सेसफुल रहे,
उस मॉन्स्टर के हमले से हम लोग लगभग मरने ही वाले थे, लेकिन तब तक 5 घंटे पूरे हो गए थे और 5 घंटे पूरे होते ही हम वहाँ से यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। एलेक्स टॉकर पूछता है, क्या ये एक नई दुनिया है? इस पर जेड उसे बताता है, नहीं, ये कोई नई दुनिया नहीं है। हम लोग अभी के लिए मैन गॉड की दुनिया में हैं, जो कोई रियल दुनिया नहीं है, बल्कि एक वर्चुअल दुनिया है। इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास इनफ क्रेडिट पॉइंट हैं तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तभी एलेक्स को कुछ याद आता है और उस जेड से कहता है, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं? मैं ऐसे ही नहीं घूमना चाहता हूँ। इस पर जेड अपने सामने मौजूद लाइट पोर्टल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें नए कपड़े खरीदने हैं तो तुम इस पोर्टल के अंदर जाकर मैन गॉड से उन्हें खरीद सकते हो। ये सब कैसे करना है इस बारे में तुम्हारे वॉच में मौजूद AI सिस्टम तुम्हें गाइड कर देगा। ये कहकर जेड लाइट पोर्टल की तरफ इशारा करता है। लाइट पोर्टल की तरफ इशारा होती ही एलेक्स लाइट पोर्टल के अंदर चला जाता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।